गाइस तो कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आज सर्वाइवल इवॉल्व। एंड ये हमारी आज सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 6। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने AK-8 टैंक को टेम किया था। वो क्यों किया था कि गाइस हमें जो एक ट्राइब को टेम करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होने वाला है, तो उसको टेम करने में हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने कार्बनोमीज को। बट उससे पहले आज जो है ना, मेरे को यहाँ पे बनाना है अपने के लिए स्पाई ग्लासेस। तो स्पाई ग्लासेस को मेरे को क्रिस्टल चाहिए, तो भाई क्रिस्टल लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक माउंटेन में। अगर वहाँ पे गाइस हम लोग सक्सेसफुली पहुँच गए तो गुड एंड वेल है, नहीं तो गाइस वहाँ पे हमें डेफिनेटली अल्फा रैप्टर्स एंड रैप्टर के काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप मिलेंगे। तो अपने को जो है ना वहाँ पे से कैसे बिना कैसे करके जो है क्रिस्टल्स लेके आना है। तो आज यार अपना प्लान है सबसे पहले तो क्रिस्टल, एंड उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे ट्राइक को। तो चलो मैं लगभग थोड़ा सा रेडी होता हूँ। तो थोड़ा मेरा फूड लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मैंने अपनी इन्वेंट्री में देखा फूड वगैरह, तो फूड खाया एंड उसके बाद मैं निकला अपने रैप्टर को लेके। वैसे ये रैप्टर कुछ काम का नहीं है, बहुत कम लेवल का है, ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ता है एंड इसका स्टैमिना जो है ना काफ़ी जल्दी ख़त्म होता है। बट लेट्स सी, अगर रैप्टर ने अपने ऊपर अटैक कर दिया तो वो रैप्टर जो है ना अपने रैप्टर के ऊपर अटैक करेगा एंड हमारे पास थोड़ा सा मौका रहेगा भागने का। तो ओके गाइज, यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ माउंटेन में। यहाँ पे मेरे को वो तो दिख चुका है क्रिस्टल्स, तो मैं फटाफट से जितने क्रिस्टल्स मेरे को स्पाई ग्लासेस बनाने के लिए चाहिए मैं वो उठाता हूँ। एंड जैसे यहाँ पे मैं क्रिस्टल्स वगैरह उठा रहा था तो मेरे को यहाँ पे एक कार्नो दिखा। मैंने कहा यार फटाफट से कार्नो को मारते हैं, एंड अपने को थोड़ा सा हाइट का भी ज़रूरत था तो उससे अपने को हाइट तो मिल ही जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं जो है ना स्पाई ग्लासेस को अनलॉक करता हूँ। एंड इसको बनाने के लिए मेरे को 10 हाइट, 10 फाइबर एंड 5 वुड चाहिए। तो थोड़ा सा और फार्म कर लेते हैं, मे बी इन फ्यूचर काम आ जाएगा अपना। तो क्योंकि कभी होता है ना हम लोग स्पाई ग्लासेस कहीं पे भी रख देते हैं एंड अपने को याद नहीं रहता। तो ठीक है गाइस, अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल्स वगैरह फार्म कर लिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गया एंड देखो ये रहा एक कार्नो। वैसे इसको मारने का प्लान करते हैं बट उसको बाद में मारेंगे, सबसे पहले जो है ना मैं अपने के लिए कुछ स्पाइक ग्लासेस बना लेता हूँ। अगर हाई लेवल का होगा तो हम लोग इससे पंगा नहीं लेंगे, बट बाद में मैंने डिसाइड करा चलो यार पंगा लेते हैं। बट वो यहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा दूर भाग चुका है, मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम लोग आगे चल के देखते हैं, मे बी अपने को दिख जाए। तो जब तक मैं यहाँ पे कारनों को ढूंढ रहा हूँ, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 300। आई होप गाइस आप लोग 3 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। तो भाई वो कारण तो यहाँ पे से भाग चुका है एंड अभी अपना भी टाइम हो चुका है यहाँ पे से भागने का। वैसे मेरे को यहाँ पे एक सप्लाई क्रेट दिखी तो मैंने उसको उठाया, बट इससे जो है ना अपने को कुछ खास मिला नहीं। तो चलो चलते हैं भाई, इसकी इन्वेंट्री में भी कुछ नहीं है। एंड अभी मेरे को थोड़ा सा ना फाइबर चाहिए। अभी मेरे पास वुड हो चुका है, हाइट हो चुका है एंड अबे भाई ये कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे नहीं यार, अबे मेरा ये मार क्यों नहीं रहा है? लगता है यार अपना जो रैप्टर्स है ना वो पैसिव में है। भैया दोबारा मत करना, रुक जा, मेरे को बो एंड एरोज निकाले ले, खा फटका एक एक एरोज के फटके से ख़त्म। भैया तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरे को हार्वेस्ट करने दे, मेरे को हाइट चाहिए, बाकी तू बाद में मार लेना, रुक जा भाई। अरे यार यहाँ पे ये ट्राइक भी है, गलती से इसे ना पड़ जाए, अगर इसको पड़ गई तो मैं भी गया भाई। ये बहुत गंदा मारता है यार, दूर दूर फेंक रहा है पागल। चलो हार्वेस्ट करता हूँ भाई, तेरी के प्रॉब्लम है? अरे नहीं यार ट्राइक आ गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा। अरे मरूँ मैं तो समझा अगर काफ़ी नीचे जाता तो डेफिनेटली मैं मर जाता, बट कोई नहीं मैं इसके नीचे जाऊंगा तब ये नहीं मार पाएगा। अब मार बेटे। तो ठीक है, मैंने उसको हार्वेस्ट किया एंड अभी हम लोग चलते हैं सीधा अपने बेस में। चलो बेटा भगो यहाँ पे से। तो जैसे कि मैं यहाँ पे से जा रहा था तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखा भाई? तुम्हारे भाई को एक अल्फा रैप्टर दिखा। वैसे भी आर्क पीसी में भी गाइज अपना अल्फा रैप्टर काफ़ी बड़े एनिमी है एंड यहाँ पे भी लगता है अल्फा रैप्टर अपने एनिमी बनने को तैयार है। वैसे इसका लेवल चेकआउट करना है, अगर कम लेवल का होगा तो मैं उसको मारने का ट्राई करूँगा, बट उससे पहले मेरे को जो है ना अपने के लिए स्पाई ग्लासेस बनाना है एंड मेरे को फाइबर चाहिए। तो मैं फटाफट से फाइबर कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद देखते हैं।
ओके गाइस, यहाँ पे अपना स्पाई ग्लासेस तो लगभग क्राफ्ट हो चुका है। जितना भी अपने पास एक्स्ट्रा मीट है वो मैं खा लेता हूँ, एंड उसके बाद फटाफट से अपने स्पाई ग्लासेस को हॉट बार में रखेंगे और चेकआउट करूंगा। अबे भाई किधर गया? अरे यार वो यहाँ पे से गायब हो गया। तो चलो चलते एंड देखेंगे, मिलेगा तो तब लेवल चेकआउट करेंगे। वैसे मेरा मन तो कर रहा है यहाँ पे से जंप कर दूँ, बट नीचे जो है ना स्पाइनो है, तो ऐसे करते हैं हम लोग आगे चलते हैं एंड आगे से जो है ना डायरेक्ट जंप करेंगे नीचे। बट यार अल्फा रैप्टर किधर गया? वहाँ पे तो रैप्टर है, तो चलो। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं भाई, नीचे अल्फा रैप्टर है, भाग भाग वो। भाई डैमेज तो देखो यार कितना दे रहा है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे से भाग पाऊंगा, एंड इसका स्टैमिना खत्म हो गया तो मैं भी गया। भाई ये छोड़ो, निकलो भाई, ये मेरे पीछे आ रहा है। भाग 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 भाई, भाग 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 भाग, अरे भाई भाग भाग। तो भाई मैं वहां पे से तो बच गया, लगता है ये अल्फा रैप्टर जो है ना अपने रैप्टर को हार्वेस्ट कर रहा है। तो भाई जैसे तैसे करके हम लोग वहां पे से भागे, भाई बच गए, शुक्र समझ बच गए बस। बट अपने पास थोड़ा सा नार्कोटिक्स है, तो मैं फटाफट से अपने के लिए नार्कोबेरीज था, एंड उसका मैं फटाफट से डालता हूँ मोर्टार पिस्टल में नार्कोटिक्स बनाने के लिए, क्योंकि अभी अपन लोग जाने वाले ट्राइक पकड़ने के लिए। तो ठीक है, तो अपन लोग वही तरीका यूज करेंगे कार्बोनमीस का, और फिर आएगा ना गाइस मज़ा। तो चलो अभी अपना नार्कोटिक्स वगैरह बन के लगभग रेडी हो चुका है, तो फटाफट से जो है ना मैं नार्कोटिक्स लेता हूँ एंड फटाक से हम लोग ट्रैंकुलाइजर एरोज बनाएंगे। ट्रैंक्स एरोज तो लगभग 15 बन रहे, आई थिंक इतने में तो काम चल जाएगा। मे बी हाई लेवल का हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकता है अपने को। तो भैया अपन लोग लेके जाने वाले अपने कार्बोनमीस को, अब आएगा ना गाइस मजा। मैं वैसे सोच रहा था अगर अपने पास रैप्टर्स रहता ना तो रैप्टर्स लेके जाता एंड इसको वहाँ पे रिकॉल करता, बट यार एक चीज़ तो है, अगर मैं कार्बोनमीस को लेके घूमूंगा ना तो यहाँ पे से मेरे को थोड़ा सा दूर जाने में ही लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने कहा इस तरीके से तो नहीं, ऐसे करते हम लोग पानी में चलते हैं। बट यार पानी में घूमूंगा तो मैं जंगल में कैसे देखूंगा कार्बोनमीस, आई मीन ट्राइक को। तो मैंने कहा ये तरीका तो काम नहीं करेगा, अपने को डेफिनेटली कुछ और नए तरीके से ढूंढने पड़ेंगे। फिर भी ठीक है, रिवर टू रिवर चलेंगे एंड आराम से हम लोग ट्राइक्स वगैरह को तो ढूंढ ही सकते हैं। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है भाई, चल आगे चलते। वहाँ पे मेरे को कुछ सार्को टाइप पे दिखा था, मैं भी कुछ सार्को वगैरह तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं जितने भी सार्को स्पॉन होते हैं यहाँ पे मार देता हूँ उसको। फिर बाद में यार मैंने डिसाइड करा इस तरीके से तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, तो मैंने कहा चलो हम लोग जो है ना पैदल ढूंढते हैं एंड जहाँ पे अपने को हाई लेवल का ट्रैक मिलेगा एंड अपन लोग जो है ना इसको रिकॉल करेंगे एंड तब अपन लोग उसको पकड़ लेंगे। यार मैंने जा रहा था, मैंने कहा एक बार इसकी इन्वेंटरी में देख लेता हूँ, क्या पता थोड़ा बहुत सामान वगैरह होगा तो आप लोग निकाल लेंगे। बट लकीली यार बायोडॉक्सिक्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे काम आने वाला है। तो यार काफ़ी ज़्यादा दूर जाने के बाद यहाँ पे अपने को कार्नोस दिखे, काफ़ी ज़्यादा कार्बोनमीस दिखे, एंड दूर जाते ही मेरे को एक ट्राइक भी दिखा। मैंने कहा चलो भाई इसका लेवल चेकआउट करता हूँ कितने लेवल का है। ओ भैया कितने लेवल के हो तुम? 70 लेवल का भाई, 70 लेवल का है, इसको पकड़ना तो बनता है, क्या बोलते हो गाइस? तो मैंने फटाक से जो है ना अपना कार्बोनमीस को यहाँ पे रिकॉल करा एंड अब आने वाला है गाइस काफी खतरनाक मजा। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने उसको रिकॉल तक कर लिया है, अभी अपने को वेट करना है इसको आने का। भाई डेफिनेटली टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा आने में। मैंने कहा जब तक वो आ रहा है मैं ऐसे करता हूँ ना थोड़ा सा अपने के लिए स्टोन्स वगैरह फार्म कर लेगा, क्योंकि मेरे पास स्लिंग शॉट है एंड स्टोन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, लगभग 7 स्टोन है, अराउंड 30 के करीब स्टोन्स तो होने चाहिए अपने पास। अगर अपने ट्रैंकुलाइजर एरोस खत्म हो गए तो अपने स्लिंग शॉट काम कर लेगा। देखो यार कितना टाइम है अभी, टाइम देखो, ओके तो लगभग थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड फाइनली यार कार्बोनमीस आ जाएगा यहाँ पे। ओके गाइस यहाँ पे कार्बोनमीस तो आ गया, तो चलो चलते हैं फटाफट से एंड करते हैं स्ट्राइक को टीम। ये अलग तरीका है, ये मेरा तरीका है टीम करने का, ट्रैप वाला तरीका मेरे को अच्छा नहीं लगता अब, एंड यही तरीके से अपन लोग पढ़ते हैं। अरे भाई आ गया, मारेगा इसको ठीक है, बट कोई नहीं अपन लोग इसको पीछे से पकड़ लेगा। ले बटे खा, बट यार ये इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है,
सीधा 100 का डैमेज। नहीं भाई फटाफट से अनकॉन्शियस हो जाओ। ओके गाइस भागने लगा ये, अनकॉन्शियस हुआ, फटाफट से बैठता हूँ, ये मार देगा बन्ना इसको। तो ठीक है अपना ट्राइक बच चुका है, बट सबसे पहले मेरे को ट्राइक की हेल्थ देखनी है। एक्चुअली में हेल्थ कितना है इसका भाई? लगभग 100 हेल्थ बचा हुआ है भाई। ये थोड़ा रिस्की है, वैसे रिस्की तो नहीं है अगर मैं पैसिव में करता तो ये इसको अटैक नहीं करता, बट कोई नहीं। यहाँ पे एक स्टोन है, आई मीन रॉक है, उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो ठीक है यार, रॉक्स वगैरह तो क्लियर हो चुका है, अभी अपने को थोड़ा सा वेट करना है। वैसे इसकी इन्वेंट्री में जो है ना, मैं थोड़ा सा बायोटॉक्सिक्स एंड नार्कोबेरीज रख देता हूँ। नार्कोबेरीज मैं खिला भी देता हूँ यार। एंड अभी गाइस अपने को वेट करना है, जैसे इसका थोड़ा सा फूड लेवल कम होगा उसके बाद जो है ना हम लोग इसको बेरीज वगैरह देंगे। तो भाई काफ़ी लंबे टाइम हम लोगों ने वेट किया। एंड अभी जो है ना मैं अपने कार्बनवीज की इन्वेंट्री में देखता हूँ क्या है। कार्बनवीज की इन्वेंट्री से मेरे को थोड़ा सा मिजो बेरीज मिला एंड कुछ रॉक कैरेट्स। तो मैंने रॉक कैरेट्स दिए एंड मिजो बेरीज, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से ये टेम हो रहा है। बस अपने को थोड़ा सा वेट करना है एंड जब तक ये टाइम होगा तब तक अपन लोग यहाँ पे बैठ के इसकी रखवाली करते हैं। ओके गाइस फाइनली अपना ये ट्राइक जो है यहाँ पे टाइम होने वाला है, बट इसकी सैडल बनानी भी पड़ेगी अपने को। तो मैं फटाफट से ट्राइक की सैडल देखता हूँ कौन से लेवल में अनलॉक होती है। भाई लगभग 16 लेवल में, एंड इसको बनाने के लिए मेरे को चाहिए 140 हाइट, 80 फाइबर। तो मेन प्रॉब्लम गाइस अपने को हाइट कलेक्ट करने में, अपना जो हाइट कलेक्ट करता था रैप्टर वो भी बेचारा मारा गया है। तो भैया अपना ट्राइक यहाँ पे टेम हो गया एंड अभी हम लोग चलते हैं अपने बेस में एंड यहाँ से हम लोग जाने वाले थोड़ा सा हाइट कलेक्ट करते हुए। तो चलो यार मैं यहाँ पे से चलता हूँ एंड मेरे जो बो में ट्रैंकुलाइजर एरोस थे मैंने उनको शिफ्ट किया, क्योंकि ट्रैंकुलाइजर एरोस का जो है ना डैमेज काफ़ी कम जाता है। तो चलो चलते हैं। अरे भाई यहाँ पे मेरे को एक रैप्टर दिखा। अरे भाई ये तो अपने ऊपर अटैक कर रहा है, लगता है इसको मारना पड़ेगा। ले बेटा बोला करके मारूंगा तेरे को। हाँ ठीक है, अब हो गया ना, अब आया ना मजा। तेरे दादा ने मेरे को मेरा रैप्टर मारा बट अब तू तो गया। भाई तेरे को के प्रॉब्लम है, पीछे रुक जा। अरे नहीं दूसरा भी आ गया भाई, ये कैसे, किधर गया, दिख भी नहीं रहा है। ओके ये रहा, मराइए। चलो ये क्या, यहाँ देखो ये भाई साहब हार्वेस्ट करने में लगा हुआ है, इसको कर बेटे कर, उसके बाद मैं मारूंगा तेरे को। तो ठीक है इसको भी गाइस हम लोगों ने क्लियर किया। भाई यहाँ पे हम लोग दो रैप्टर से भिड़े एंड दोनों रैप्टर को मार के हम लोग आगे निकले। चलो इनको हार्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसका वैसे लूट क्रेट है, देखते हैं इसके अंदर से अपने को क्या मिलेगा। भाई लगभग 14 एरोज ये लेके चलो अपने साथ। तो चलो यार अभी हम लोग आगे चलते हैं एंड यहाँ पे मेरे को थोड़े से डायनोस वगैरह दिखेंगे तो अपन लोग इनको मारने की ट्राई करेंगे, क्योंकि अपने को अभी हाइट चाहिए। बस यहाँ पे मेरे को पैरासोरस दिखा, पैरासोरस भी यार हाइट काफ़ी अच्छा देता है। तो इसको मैं फटाफट से जो है ना हैचेट से हार्वेस्ट करूँगा, बट जैसे ही मैं इसको हार्वेस्ट कर रहा था पीछे से यार काफ़ी ज़्यादा ये छोटे छोटे कॉकरोचेस आ गए अपने ऊपर अटैक करने के लिए। तो मैंने कहा रुक जा भाई, तुम सबको बताता हूँ मैं, थोड़ा सा इनसे हाइट वगैरह मिलेगा एंड जब हम लोग पैटर्न ऑन पकड़ेंगे तो इसका सेटल बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे यहाँ पे मेरे को एक कार्बन मिस और दिखा, इसको भी बजाता हूँ एंड इससे भी मैं हाइट वगैरह लूँगा। ले बेटा गया, 300 का डैमेज जा रहा है यार इसमें। तभी गाइस ये जो बो है ना इतनी डेडली ऐसे। भाई ये तो कतई गुस्सा हो गया। ले भाई मेरे ट्रैक ने इसको बजा दिया इजीली। तो फटाफट से मैं इसको हार्वेस्ट करता हूँ एंड अब आएगा गाइस मजा। तो चलो चलते आगे एंड मे बी आगे अपने को ट्राइक मिलेगा तो उसको पकड़ने का ट्राई करेंगे। ओके यहाँ पे लगभग 2 ट्राइक हैं भाई, लेवल चेकआउट करना पड़ेगा पहले मेरे को। लगभग एक 55 लेवल का है एंड दूसरा कितने लेवल का है उसका तो नहीं पता, मैं फटाफट से इसको मारने का ट्राई करता हूँ। ओके दो, अरे नहीं 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 भाई ये तो कतई भड़क गया यार मेरे में। बट कोई नहीं, मेरा ट्राइक इसको मारेगा। दोनों यार इसके ऊपर चढ़ गए भाई, एक ट्राइक और आया। अरे तू कहां से आ गया? अरे यार ये एरोस क्यों नहीं चल रहा है? अब एरोस चल भाई। अरे गलत हो गया, पकड़ दिया, ये नहीं छोड़ेगा, 101% नहीं छोड़ेगा, मार के ही दम लेगा। अरे भाई बट कोई नहीं यार, मैं दोबारा से अपने बेस में स्पॉन हुआ, उसके बाद आया
एंड मैंने यहाँ पे देखा अपना ट्राइक जो है ना अभी भी फाइट ले रहा है, बट जैसे जैसे करके अपने ट्राइक ने यहाँ पे उनको मारा एंड अपने पास लगभग 2 ट्राइक हो चुके हैं, तो उनको हम लोग फटाफट से हार्वेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोगों ने इनको मारा एंड अभी अपने पास इतना ज़्यादा हाइट तो हो चुका है कि अपन लोग जो है ना सेटल वगैरह बना सकें। तो चलो चलते हैं गाइज, अभी अपन लोग वेस्ट में एंड वेस्ट जाते भी अपने को जो भी छोटे छोटे डायनोस मिलेंगे तो हम लोग उसको मारने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले जो है ना मैं अपना हाइट का आर्मर अपने में इक्विप करता हूँ, लेट्स गो भाई। अभी अपने को घर बनाने, ओके एक ट्राई किए रहा और इसको भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। भाई मेरी पेट्टी गिरी हुई है, बट मैं सोच रहा हूँ वो एक्चुअली में रैप्टर गया किधर है, नहीं तो उसको भी बजाता। भाई वो नहीं दिख रहा है अभी अपने को। चलो इससे मैं थोड़ा सा ना हाइट वगैरह लेता हूँ क्योंकि हाइट ड्रॉप हो जाता है इसमें। लगभग गाइस 101 हाइट मेरे पास हो चुका है, अभी भी अपने को 40 हाइट और चाहिए। तो यहाँ पे एक पैरासोरस है, चलो भैया आई नीड हाइट। अरे यार इस, अरे गया, भाग रहा था ये, भाग कहाँ भागेगा भाई, अपने से बच के नहीं भाग सकता। चलो अभी चलते हैं अपन लोग फटाफट से। वैसे इसको मैं विशुल बजा के अपने में फॉलो कराता हूँ, तो ठीक है गाइज ये अपने को फॉलो वगैरह करने लगे हैं एंड अभी मेरे को यहाँ पे से रिवर क्रॉस करना है और चलते हैं सीधा अपन लोग अपने बेस की तरफ। एंड जैसे ही यहाँ पे से मैं अपने बेस के साइड जा ही रहा था एंड यहाँ पे गाइज अपने को क्या दिखा, एनी गाइज यहाँ पे अपने को दिखा एक ट्राइक एंड सार्को आपस में फाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मेरे पास बेटर एडवांटेज है क्योंकि सार्को हाइट काफ़ी ज़्यादा देता है। मैंने कहा अगर सार्को को हम लोग मार देंगे तो अपना फायदा हो जाएगा। भाई काफ़ी अच्छा लेवल का सार्को है, बट कोई नहीं अपन लोग इसको मार देंगे। अपना ट्राइक मार रहा है ना इसको, ले गया भाई किधर, 55 लेवल का सार्को था ये, हाइट काफ़ी अच्छा देता है सार्को। तो लगभग गाइस अपने को यहाँ पे 40 के करीब हाइट मिल चुका है, 170 हाइट हो गया एंड देखते हैं सैडल बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा वुड चाहिए, उसके बाद फाइबर। फाइबर तो अपने को जो है ना बेस से मिल जाएगा क्योंकि अपने मॉस्टर लगे हुए हैं यार धंधे में अपने। तो मैं यहाँ पे वुड वगैरह फार्म करने लगा एंड 2-3 ट्रीज कटने करने के बाद डेफिनेटली मेरे पास इतना वुड तो हो गया होगा कि मैं सैडल बना लूँ। चेक करते हैं बस, ओके हाइट भी है वुड भी है, अभी अपने को थोड़ा सा फाइबर चाहिए। तो हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने बेस में एंड अंदर कहीं ना कहीं अपने बॉक्सेस में डेफिनेटली अपने को फाइबर तो मिल ही जाएगा। इनको कराता हूँ मैं अपने यहाँ पे स्टॉप, चुपचाप से कहीं मेरे घर तोड़ के मेरे घर के अंदर घुस गया। इसमें तो है नहीं हाइड, ओके लगभग यहाँ पे मेरे को 410 हाइट मिला। तो ठीक है गाइस फटाफट से हम लोग जो है ना इसका सैडल बनाता हूँ, बाकी जितना एक्स्ट्रा हाइट है एंड फाइबर है वो सारा का सारा मैं बॉक्स में रखूँगा। तो लगभग गाइस अपना जो सैडल है वो लगभग बन के रेडी हो चुका है, फटाक से जो है ना हम लोग इसमें इक्विप कराते हैं एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। बट जैसे ही मैं इसके ऊपर बैठा भाई इसका हेल्थ काफ़ी कम था, मैंने कहा अगर मैं एक्सप्लोर करने के लिए ले गया डेफिनेटली मैं तो खुरा पाती हूँ, जहाँ तहाँ देखो अपने डायनोस को भिड़ा दूंगा तो ये मर जाएगा। तो अभी हम लोग इसको ट्राई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।